गुरु मानी, पूजा किया और उसके बदले में इसने मेरे भाई को जिंदा जला दिया। देवता से राक्षस बन गया ये, मसीहा से जल्लाद बन गया। मैं इसके टुकड़े कर डालूंगी। जरा सोच, गरीबों का आंसू पोछने वाला गरीबों को रुलाएगा कैसे? ये अनर्थ नंबर आदमी का नहीं है। ये अनर्थ उसी नंबरी आदमी का है। नहीं बिचली, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ किसने लगाई जिसे मेरा भाई जल गया? अरे तू इस हत्यारे का हमदर्द कैसे बन गया रे? यही है वो। बिजली नहीं, तेरे भाई को जलाने वाले का हाथ नंबरी आदमी के नहीं है, किसी नंबरी बदमाश के। इस नंबरी आदमी के गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहे है तू? नहीं, ये नंबरी आदमी एक बार अपने आप का खून कर सकता है, किसी इंसान का नहीं। ये तू कैसे बोल सकता? इसीलिए कि वो नंबरी आदमी मैं हूँ। क्या तू है नंबरी आदमी? हाँ मैं। बोल, क्या मैं अपने मुन्ने को जला सकता हूँ? तुझे रोता हुआ देख सकता हूँ? जिस बस्ती में जीता हूँ उसे मरते हुए देख सकता हूँ? मगर तू ये जानना चाहती है ना कि मैं नंबरी आदमी कैसे बन गया? वक्त और हालात, भूख और प्यास ने मुझे नंबरी आदमी नहीं बनाया, मेरे मकसद ने मुझे नंबरी आदमी बनाया, मेरी तलाश ने मुझे नंबरी आदमी बनाया, चीता के जलते हुए शोलों ने मुझे नंबरी आदमी बनाया। मैं आज तक उस काले कल को ना भुला हूं, ना उन चेहरों को। दीदी दीदी देखो ये कप मुझे इनाम में मिला है। बहुत अच्छा है। दीदी, माँ, दीदी, रोको, दीदी, दीदी, माँ, माँ, दीदी, माँ, दीदी, दीदी, रोको, रोको। बांधो हरामजादे को कुएं के साथ। पिताजी को क्यों मारे हो? मत मारो, मत मारो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो कमीने, छोड़ दो। देखे पिल्ले, नहीं नहीं ठाकुर, मेरी बच्ची को छोड़ दो। इंस्पेक्टर, तुम हमारी नशे की दवाइयों को रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन ये नशा जवान खून पर काम कैसे करता है? ये तमाशा तुम्हें तुम्हारी बेटी दिखाएगी। नहीं समझे, नहीं तुम मेरी बच्ची पर जुल्म नहीं कर सकते। जवानों, नहीं 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 समझे, नहीं 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 ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बतवा देता हूँ। शमशेर सिंह, तू सलील मौत मरेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। शमशेर सिंह, शमशेर सिंह। इंस्पेक्टर, तेरी सच्चाई का इनाम, तेरी बीवी की लाश, तेरी बेटी का अंजाम और तेरा बेटा खाई में गिरकर मर गया। अब तेरी बारी है, खत्म कर दो इसे। हुजूर, पानी पियोगे? शराब। बेगम, लगता है बड़ा गुस्से में है। हुजूर, उस्ताद की कैसी लगी? मुझे किसी ने मारा। हाँ मारा। कैसे? अली बाबा 40 चोर, आजा बच्चे मेरे को, आजा बच्चे। तो मैं नहीं आता, तू चप्पल से मारती है। उठ बुज़दिल, तुझे मार खाने के लिए नहीं, मारने के लिए रखा हुआ है। चप्पल से मारती है तू? हाँ मैं। चल मेरे चौधरी के चांद,
मैं एक बात बताती हूँ। कहाँ? यहाँ नहीं, कोने में। चल। बताओ ना। बताओ। जल्दी बताओ। सच? हाँ। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं मानूंगा। राणा साहब आप? वही कमीना दिलदार खान मुझे जबरदस्ती यहां उठा लाया, मुझे मारा पीटा और मेरे साथ क्या क्या हरकतें की, अब आपको क्या बतलाऊं? ये कैसे हो सकता है कि दिलदार खान आपको अपने घर लाकर मार पीट कर इस तरह बांध कर चला गया? मुझे तो बात समझ में नहीं आई, जबकि आपने उसे इतना रुपया अस्पताल बनाने के लिए दिया। देख लूंगा मैं उसे। ये खत कैसा? क्या लिखा? दिलदार खान की जान खतरे में थी और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं दिलदार खान को मौत के मुंह से निकाल कर अपने साथ ले जाऊं और दिलदार खान राणा के शिकंजे से आजाद नंबरी आदमी की दुनिया में जिएगा। सर, दिलदार खान के मकान में राणा साहब का इस तरह बंधा होना और उनकी जेब में नंबरी आदमी की चिट्ठी, इससे बात ये समझ में आती है कि दिलदार खान नंबरी आदमी तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सर कि दिलदार खान की तस्वीरें सारे हिंदुस्तान के पुलिस स्टेशनों में लगा दी जाएं और साथ साथ राणा पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। पर राणा साहब को मैं कुछ, मुझे शक है कि राणा दिलदार खान और नंबरी आदमी के बीच एक ऐसी कड़ी है जिस पे नजर रखने से हम असली मुजरिम तक पहुंच सकेंगे। मगर नंबरी आदमी और दिलदार खान के केस में राणा पर शक करने का क्या मतलब? सर, हम शक के जरिए यकीन और यकीन के जरिए असलियत तक पहुंचेंगे। मैं अब जल्द से जल्द राणा के गुजरे हुए कल की जानकारी करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है सर कि मैं राणा के गुजरे हुए कल की कोई ऐसी फाइल ढूंढूंगा जो हमारे काम आ सके। राणा साहब हमारे ट्रक्स पकड़े गए, वो एसीपी ने बहुत। आप लोग अचानक इंडिया में, ना कोई टेलीफोन ना खबर, एनीवे आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई। मगर हम लोग सिर्फ फायदा होने पर ही खुशी मनाते हैं मिस्टर राणा। तुमको हमारा माफिया के ऑर्गेनाइजेशन इंडिया अंडरवर्ल्ड का चीफ बनाया है, तुम हमारा करोड़ों का नुकसान किया, इसलिए हम लोग तुमको चीफ का कुर्सी से हटाने को आया। नहीं नहीं डॉन साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने वाला है एसीपी विजय प्रताप, जिसकी मौत के धागे में पहले ही बुन चुका हूं। ये देखिए, पुलिस का एक फुटबॉल का मैच होने वाला है और फुटबॉल के अंदर मैंने एक बॉम्ब छुपा कर रखा हुआ है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। एक बार एसीपी को मिट्टी में मिला दूं फिर हमारे कारोबार के सारे रास्ते खुल जाएंगे। बस मुझे एक मौका और दीजिए डॉन साहब। क्यों पार्टनर? ठीक है राणा, हम तुमको आखिरी मौका देता है। अगर तुमने फिर नुकसान किया हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये मैच एसीपी की जिंदगी का आखिरी मैच होगा।